नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी, और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर बिल्कुल, हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक्चुअली सर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी, और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे वो हमारे घर पे आए, और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम उसे जानते थे कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं छुपके वहाँ पर रह रहा था गुड़गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पर। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो सर उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है, और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, और उनको इतना ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की, और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया, और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए, और वहाँ पे सब सुविधा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, खाने की भी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पे एक बार चल के देखो। तब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है, और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली और दुखों से छुटकारा मिल गया, ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के। उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए, तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है, इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई, घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पर भी नहीं मिला आज तक। सर उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की वो छोड़ दिया, और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना अब तक, मजाक बनाते थे, और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, हम मकान भी बनवा दिया, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफ़ी बार उसको डॉक्टर को दिखाया तो वो ठीक नहीं हुई, तो हम उसे हिसार लेके गए, हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था, उसका ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी, तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी, मतलब मेरे पापा जी थे सामने और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और
और सर एक बार मेरा तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और वो जयपुर तक एडमिट हो गया और भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फ़ोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ के दया से इतनी जल्दी ठीक हो गया और मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने, परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया और गुरुजी ने कहा बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं, परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज़्यादा देता है, जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज़ हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैणी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं और भक्ति में वो इतना ना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ गया और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया, जो लेडीज़ बीमार रहती थी मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पथरी है। पथरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है आज तक, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पथरी नहीं है। और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पथरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई तो उन्होंने बताया कि आपको पथरी तो थी लेकिन आपकी पथरी ख़त्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पथरी भी ख़त्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैणी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं खास करके आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं, भगवान ने इतना ज़माना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पर दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की तरह कोई उवाबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी। जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए WW जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो साधना चैनल, ईश्वर चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, अपने नज़दीकी सेंटर पर जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई।